दोस्तों, अगर आप सभी के नोट्स एंड कॉइन्स खरीदने के नाम पे या फिर सेल करने के नाम पे कोई भी अगर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो उसको मत दीजिए। वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपके नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देना नहीं पड़ता या फिर रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ बिल्कुल कॉमन सर्कुलेशन का एक 50 रुपीज का नोट। और यहाँ पे दोस्तों, मैं एक 50 रुपीज़ के नोट के बारे में बात नहीं करने वाला, आज मैं करने वाला हूँ सेम सीरीज के 3 50 रुपीज़ के नोट, और ये है 2013 का। यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले का 50 रुपीज़ का नोट है। तो वो 50 रुपीज़ का नोट कौन सा है, क्या एलिमेंट्स है और कितना प्राइस है? देखिए, प्राइस की अगर हम बात करें तो ये तीन जो 50 रुपीज़ का नोट है, ये तीनों 2013 का है। अब डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन प्राइस आप लोग सुन लो। ये तीनों नोट्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें ओवरऑल, तो ये ऑलमोस्ट 96,069 रुपीज इसका कैलकुलेशन आ रहा है। आप सभी को बताएंगे। और ये जो दो तीनों नोट्स है ना, ये 96,069 रुपीज में ये एक्चुअल में सेल भी हो चुके हैं। तो कैसे, अगर आप सभी के पास ये तीनों नोट्स हैं तो आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको अपने कलेक्शंस के लिए तीनों नोट्स को खरीदना है तो कैसे आप खरीद सकते हो, कितना पे करना पड़ेगा, कहाँ आप इसको सेल या फिर परचेज करोगे, एक एक चीज़ें आप सभी से विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है मैं चैनल पे कभी कॉइन्स का सीरीज का वीडियो लाता हूँ तो कभी नोट्स का सीरीज का, यानी कि ऑल्टरनेट चलता है, एक दिन कॉइन्स तो दूसरे दिन नोट्स, फिर कॉइन्स तो फिर नोट्स। तो आज का इस वीडियो में बेसिकली मैं कोई भी कॉइन्स को कवर नहीं करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको सिंपली देखने को मिलेगा सिर्फ 50 रुपीज़ का ये नोट्स का सीरीज का, ठीक है ना। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो 50 रुपीज़ का नोट है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिपब्लिक इंडिया का एकदम स्टार्टिंग का नोट है, ऐसा नहीं है। ये 50 रुपीज़ का 2013 का नोट है। अगर आप अभी आपके मन में ये आ रहा होगा 2013 का नोट इतना कीमती कैसे हो सकता है, तो ये समझना पड़ेगा आपको, पहचानना पड़ेगा। 2013 का हर एक नोट इतना कीमती नहीं है जिससे कि आपको इतना कीमत मिल जाए। इंडिविजुअली अगर हम बताएं ना, तो इसमें जो एक नोट का कीमत है ऑलमोस्ट 30,666 रुपीज़ है, वहीं एक और नोट का जो कीमत है 29,070 रुपीज़ है, और जो तीसरा हमारा नोट है उसका कीमत है 36,333 रुपीज़। और इन ओवरऑल तीनों को अगर कैलकुलेट करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका कीमत होता है 96,069 रुपीज़, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको सेल करना है फिर परचेस करना है अपने कलेक्शन के लिए। वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और इस तरह की न्यूमिस्मेटिक हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक कर दिए, और साथ ही नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप सभी को सरेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चल के आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो तीनों नोट्स हम बात करेंगे वे विद प्रूफ बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इजीली ऐसे ही बता दिए कोई भी नोट्स एंड तो आपका इतना प्राइस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, एक नोट के अंदर ना आपको 4-5 चीज़ों को ध्यान रखना होता है, उनके एलिमेंट्स होता है, उन सभी को ध्यान रखोगे तभी जाके आप अपने नोट्स का रेयरिटी को पहचान पाओगे। देखिए, सबसे पहले एक नोट्स में ये देखना होता है कि उसका ईयर क्या है, यानी कि उसका इशूइंग ईयर जानना पड़ेगा, रिलीजिंग ईयर। उसके बाद उसमें सिग्नेचर किसका है, यानी कि उस टाइम उस गवर्नर कौन है, ये सिग्नेचर किसका है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना होता है प्रीफिक्स क्या है उस नोट का। उसके बाद देखना होता है इंसर्ट क्या है उस नोट का। और पांचवा देखना होता है उस नोट का सीरियल नंबर क्या है, ठीक है। ये पांच चीज़ को अगर आप सही ढंग से सीख लिए और इन पांचों चीज़ों को अगर आप सही ढंग से समझ लिए, तो आप अपने नोट्स को रेयर है या फिर नहीं है ये चीज़ वीडियोज़ को देख के एनालिसिस कर पाओगे। तो अभी वो पांचों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहला 50 रुपीज़ का नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 50 रुपीज़ का जो नोट है, इसमें आपको देखने वाली सबसे मेन चीज़ है, ये तो 2013 का एकदम मतलब नोट का डिज़ाइन आप लोग देख लो, पैटर्न बिल्कुल कॉमन पैटर्न है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले का नोट है उसका पैटर्न अलग है, ये नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस नोट का ओवर्स और रिवर्स दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिवर्स साइड तो यहाँ पे इसको हटाई दीजिए, ओवर साइड ही आपको सारा डिटेल्स देखना है, ठीक है ना। पैटर्न आपको जैसे कि पता है कि बिल्कुल कॉमन पैटर्न है, तो रिवर्स साइड को हटाइए, ओवर साइड में देखिए आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें क्या इंसर्ट है, क्या प्रीफिक्स है, क्या सीरियल नंबर है और किसका सिग्नेचर है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये जो है ये आपका टोडी वाले ऑक्शन में सेल हो चुका कुछ सैंपल्स है, ठीक है ना। यानी कि ये जो नोट्स अभी हम तीनों दिखाएंगे, ये ऑलरेडी टोडी वाला ऑक्शन में सेल हो चुका है। और कितने में सेल हुआ है ये देखिए, 36,333 जो हमने पहले बताया था वो। और इसका डिटेल्स देखिए, ₹50 2013 का है, साइंड है डी सुब्बाराव का, और ये एक स्टार नोट है, फैंसी नंबर है, ठीक है ना। स्टार नोट है और फैंसी नंबर है, इस वजह से इतना कीमती है। अब देखिए इसका फैंसी नंबर क्या है, 4CC स्टार
8888888, यानी कि यहाँ पे 6 times 8 लिखा हुआ है विथ एल इनसेट अनसर्कुलेटेड वेरी रेयर, यानी कि ये अनसर्कुलेटेड नोट है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर इसको जूम आउट करके आप लोग देखोगे तो इस नोट में यहाँ पे ईयर लिखा है इसका बैक साइड में सिंपली 2013, उसके बाद यहाँ पे अगर फ्रंट साइड में देखोगे तो सिग्नेचर यहाँ पे डी सुब्बाराव का है। इस नोट की अगर प्रीफिक्स की बात करें तो 4CC इसमें प्रीफिक्स आप लोग देख सकते हैं, और ये एक स्टार सीरीज होने की वजह से यहाँ पे देखिए बीच में यानी कि 4CC जो प्रीफिक्स है उसके बाद यहाँ पे स्टार बना हुआ है, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो आप लोग देख सकते हो 888888, ठीक है ना। और तो ये 888888 होने की वजह से ये एक फैंसी सीरीज का नंबर हो गया, और फैंसी नंबर होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर बन जाता है, और ये एक अनसर्कुलेटेड नोट होने की वजह से इसकी कीमत आप लोग देख सकते हैं एस्टिमेट किया गया था 20,000 से 25,000, बट ये सेल हो चुका है 36,333 रुपये में। तो आपके सामने ये फर्स्ट हमारे पास जो नोट है ये आपको देखने को मिला होगा, तो ये एक स्टार सीरीज का नोट है, ये आप लोग माइंड में सेट कर लो। तो ये है हमारा सबसे पहला नोट जिसका कीमत यहाँ पे 36,333 रुपीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट अगला जो 50 रुपीज़ का नोट है, तो ये भी 2013 का ही नोट है, और यहाँ पे साइंड डी सुब्बा राव का ही है, और ये भी स्टार नोट फैंसी नंबर है। बस इसमें देखने वाला ये है कि इसका जो स्टार सीरीज है इसमें देखिए प्रीफिक्स है 4CC, उसके बाद है स्टार, उसके बाद जो सीरियल नंबर है वो है आपका 100000, यानी कि 1,00,000, ठीक है ना, विथ एल इनसेट अनसर्कुलेटेड। तो यहाँ पे इस नोट की अगर ओवर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीफिक्स जो है 4CC है, उसके बाद यहाँ पे स्टार मार्क है, उसके बाद यहाँ पे 1,00,000 लिखा हुआ है, यानी कि 100000, और यहाँ पर सिग्नेचर इसमें अगेन देख सकते हो मतलब डी सुब्बा राव का है। तो ये भी 2013 का जो पिछला नोट था सेम पैटर्न है, सेम प्रीफिक्स सब एलिमेंट्स है, बस इसमें सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो चुका है, उसमें था 888888 और इसमें है 1,00,000, ठीक है ना। तो ये दूसरा नोट है और इसका प्राइस रखा गया था 20,000 से 25,000, बट ये टोडी वाले ऑक्शन में सेल हुआ है 29,070 रुपीज़ में। तो ये जो आपको टोटल स्क्रीन दिख रहा है ये है टोडी वाला ऑक्शन का, जो कि विथ प्रूफ आपको हमने दिखा दिया है। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा नोट आता है, तीसरा जो नोट है ये भी काफ़ी रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। तीसरा नोट भी सेम सीरीज का है, देखिए यहाँ पे ₹50 2013 साइंड बाय डी सुब्बा राव, यानी कि सिग्नेचर इसमें भी डी सुब्बा राव का है। स्टार नोट है फैंसी नंबर विथ 5CC*666666 विथ एल इनसेट अनसर्कुलेटेड वेरी रेयर, ठीक है, यानी कि ये है। इस नोट का अगर ओवरसाइट को आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर डी सुब्बा राव का अगेन इसमें दिख जाता है, प्रीफिक्स इसमें 5CC दिखता है, उसके बाद बीच में स्टार है, उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर है 666666, और इसमें इनसेट अगेन इसमें भी है एल, ठीक है ना, इनसेट आपको दिख जाएगा, एल है इसका इनसेट सीरियल नंबर के जस्ट नीचे। तो ये इस नोट का फिजिकल एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका फिजिकल ओवरव्यू भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल 2013 का ये तीन स्टार नोट्स हमने आप सभी को डिटेल में बताया, डिटेल में समझाया, और ये फैंसी सीरियल नंबर होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है, और तभी जाके ये टोडी वाले ऑक्शन में 20,000 से 25,000 इसका प्राइस सेट था, बट ये 30,666 रुपीज़ में सोल्ड आउट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ तीन ऐसा नोट था जो कि हमने आप सभी के पास बिल्कुल डिटेल्ड में शेयर किया है, बिल्कुल इसके बारीकी से शेयर किया, और इसका प्राइस भी आपको विथ प्रूफ टोडी वाला ऑक्शन के अकॉर्डिंग हमने बताया। तो अगर आप सभी के पास ये नोट्स हैं या फिर आप कलेक्शन करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये 50 रुपीज़ का नोट का जो सीरीज था ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप 50 रुपीज़ का रेयर नोट सोल्ड मतलब डिटरमाइन कर पाओ कि ये रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, या फिर रेयर है, या फिर स्केयर कैटेगरी का, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आने वाले कुछ टाइम में जो एग्जीबिशंस होने वाले हैं उन एग्जीबिशंस का डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो इन एग्जीबिशंस के आसपास, इन मेट्रो सिटीज़ के आसपास अगर आप लोग विजिट करते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए, यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है, जिससे आप अपने कलेक्शंस को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर अपने कलेक्शन से सेल करना भी है तो हेल्पफुल आपको हो सकता है। तो यही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।